तो ये है श्रीनगर, बहुत ही खूबसूरत। उस सामने में आप देख सकते हो पहाड़ है और वहाँ पे जम रहे हैं क्लाउड्स। और अब हम बढ़ रहे हैं कारगिल की तरफ, बट अभी हम श्रीनगर टाउन के अंदर ही हैं। आप अभी सुबह के अराउंड 6 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हो ज़्यादातर शॉप्स अभी क्लोज्ड हैं और लोग रोड पे दिख रहे हैं। आई थिंक मे बी लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, ऑफ काम पे जा रहे हैं, या मॉर्निंग वॉक के लिए भी कुछ लोग निकले होंगे। और अभी इस पॉइंट पे मैं लीड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नेविगेशन लगा रखा है। सो विशाल भाई और पवन भाई मेरे पीछे हैं एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स कारगिल राइट नाउ। कारगिल की डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर्स है यहाँ से हमारे होटल की, बट वील स्टॉप एट द्रास इन बिटवीन क्योंकि हमारा प्लान। और आज हमें हमारा पहला फाड़ू भयानक वाला पास मिलेगा जिसको जोजिला पास बोलते हैं, जो काफ़ी फेमस है। तो बस हम बढ़ रहे हैं, रास्ते में सोनमर्ग भी मिलेगा जो कि अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो वील ट्राई टू कैप्चर सम इनक्रेडिबल शॉट्स फॉर यू गाइज। आप अगर नए हो चैनल पे और प्लान कर रहे हो आने का लेह लद्दाख के लिए या श्रीनगर के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है और कैसे हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आ सके। आने के रास्ते में आप नीचे देख सकते हो कितना बढ़िया फ्लो आ रहा है पानी का, और वो पहाड़ है दूर में और ये नीचे ब्रिज है। वाओ रियली मैन। और उससे पहले पड़ेगा जोजिला पास, तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एज पर करेंट रोड अपडेट स्टेटस अपडेट, जोजिला जो है वो वहाँ पे सुबह 6 बजे से लेके 10:30 तक ट्रैफिक जो है वो फ्रॉम श्रीनगर टूवर्ड्स कारगिल अलाउ किया जाता है, और फिर 10:30 के बाद फ्रॉम ले टूवर्ड्स श्रीनगर अलाउ किया जाता है। सो ये बात का ध्यान रखो कि अगर आप टूवर्ड्स कारगिल या टूवर्ड्स ले जा रहे हो श्रीनगर से, सो यू हैव टू क्रॉस जोजिला बिफोर 10:30 और एल्स आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखना। मुझे भी अपने रिसर्च में ही पता चला ये चीज़ जब मैं आने की प्रिपरेशन कर रहा था। और ये भेड़ रास्ते को ब्लॉक करते हुए, हट जा भाई, ब्रो गिव मी सम स्पेस माय ब्रो। ओ भाई यहाँ लैंडस्लाइड हुई है, पत्थर देख रहे हो गिरे हुए रोड के ऊपर। सोनमर्ग के अभी 4 किलोमीटर और द्रास है यहाँ से 66 किलोमीटर। ओ भाई साहब,
पार जो है वो सोनमोग है। वहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस हैं, घर हैं, बहुत कुछ है। इफ़ यू वांट टू स्टे इन सोनमोग इंस्टेड ऑफ श्रीनगर, यू कैन डू दैट एज वेल। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बट अनफॉरगिविंग टेरेन्स जो है उनसे आपको होके जाना पड़ेगा। फाइनली हमें छोड़ा जा रहा है यहाँ से, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। कम से कम 3-4 घंटे से, 2-3 घंटे से तो एटलीस्ट हम जरूर वेट कर रहे थे यहाँ पर। सो वी आर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स जोजिला पास, फाइनली ओपन हो चुका है हमारे लिए। अभी उन्होंने फर्स्ट टर्न में सिर्फ बाइकर्स को जाने दिया है, आई थिंक उसके बाद कार्स और बड़ी व्हीकल्स को छोड़ा जाएगा। 2-3 घंटे हमें वेट करना पड़ा, बट फाइनली वी आर हियर, वी आर गोइंग टूवर्ड्स जोजिला। होपफुली आज हम वॉर मेमोरियल भी देख लेंगे और कारगिल भी पहुंच जाएंगे। बाकी सब भोलेनाथ के हैं मैं हाथ में है, तो देखते हैं आगे कैसा होता है। और काफ़ी ख़तरनाक और ख़ूबसूरत नज़ारा है, मैं ज़्यादा नीचे देख नहीं रहा हूँ, बट होपफुली कैमरा सारे एंगल सब कुछ कैप्चर कर रहा है, वो स्नो कैप माउंटेन्स भी कैप्चर हो पा रहे होंगे। लेकिन अभी असली मज़ा शुरू हो रहा है, ये दिस इज एक्चुअल लद्दाख जर्नी। अभी तक जो हम दौड़ा रहे थे प्लेन्स था मोस्टली, लेकिन अब हम लद्दाख रीजन में एंटर करने जा रहे हैं बहुत जल्द, सो दिस विल बी द हाईलाइट। यहाँ पे बर्फ आपको दिख रही होगी, ये सब बर्फ है बीच बीच में, वो हार्ड रॉक चट्टान जैसी लग रही है देखने में, बट एक्चुअल में बर्फ है।
और जोजिला पास की एक खासियत है कि यहाँ आप ये स्टोन देख रहे हो, ये वर्टिकली पोजिशनड है, वर्टिकली अलाइंड है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इन स्टोन्स के नीचे से डायरेक्टली गुजरोगे तो ये आपके ऊपर समटाइम्स गिर सकते हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड। इसलिए मेक श्योर कि आप स्टोन से थोड़ा दूर रह के ही चलो, और जब ऑपोजिट एंड से, ऑपोजिट लेन से कोई गाड़ी आ रही है, देन यू कैन गो टू योर लेफ्ट लेन, बट थोड़ा राइट होके ही चलो, वही बेटर रहेगा। वाह, व्हाट एन इनक्रेडिबल मोमेंट राइट हियर। और ये देखो भाई साहब को मस्त एकदम खिड़की से लटक के जा रहा है। ये पता नहीं जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या ड्राइवर को गाइड करने के लिए कर रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट ही सीम्स टू बी एन एक्सपर्ट। और ये बर्फ जो है इनसे वाटर क्रॉसिंग बनती जा रही है, तो जितनी जल्दी से जल्दी हम ये क्रॉस कर लेंगे हमारे लिए उतना बेटर होगा, वरना जैसे जैसे धूप बढ़ेगी ये वाटर क्रॉसिंग्स बढ़ेंगे क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी। मेरे भी 0 माइल पे चलते हैं ना, 0 माइल पे। पास 0 माइल पे मिलेंगे, ठीक है, वहां फोटो खींचेंगे रुक के। और मुझे एक चीज करनी है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ और वो मैं करके रहूंगा, और वो है इस बर्फ को छूना। Yeah. तो फाइनली जो जिला कॉन्कर्ड हो चुका है हमारा, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ओ भाई साहब, मेरा ग्लव्स भीग गया। बट जो जिला हम पहुंच चुके हैं, और अब हमारी एंट्री कारगिल में हो जाएगी थोड़ी देर में। वुहू! पिछली बार हेडशॉट पानी बरस रहा था और मैं अकेला था, पूरा ये ग्रुप आगे निकल गया था। हमने कॉन्कर कर लिया जो जिला पास, विशाल ब्रो ये बॉय, अभी और बहुत कुछ कॉन्कर करना है। चलो Yeah! I just can't keep my excitement in check. I just can't, man. Accomplishing my dream of last 4 years. और वो भी अपने भाइयों के साथ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास के 0 पॉइंट पे। ये वो बोर्ड है जो जोजिला दिखाता है माइल, लेकिन ये अभी मिट चुका है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया, स्क्रैम्बल्ड हो चुका है। सो इसलिए क्लियर कट यहाँ लिख नहीं रहा है, बट मैं बता देता हूँ, लिखा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम्स यू टू जोजिला पास। सो ये 4561 फीट, आई थिंक दैट्स वॉट इट्स रिटन हियर। बाकी आप चेक कर लेना गूगल करके किसकी एक्चुअल हाइट कितनी है। अरे इनक्रेडिबल व्यू है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो करो, आपको बढ़िया से दिख जाएगा, सारे फोटोज़ वीडियोज़ वहाँ डालेंगे, और बाकी व्लॉग तो आएगा तो आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। आई कैन थैंक्स माई बाइक इनफ पिनाका, जिसने मुझे यहाँ कैरी करके लाया और मेरे इस ड्रीम को फुलफ़िल किया। थैंक यू सो मच मैन, आई लव यू पिनाका।
कारगिल में आपका स्वागत है, वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। सो हम कारगिल एरिया में, रीजन में एंटर कर चुके हैं। क्या हुआ सर, एंट्री करवानी है क्या? बाइक यहीं लगा दें? बाइक लगा दें नीचे, नीचे फिर सामान ज़्यादा मोड़ने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एंट्री करवाना है, एंट्री करवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। विशाल क्या चीज सर ये उसको भर दे, पेन है? पेन है क्या सर? सुई में तो गाइस वी हैव डन द एंट्री एंड वी आर इन द कारगिल रीजन। आज हमारा प्लान है वॉर मेमोरियल देखने का, और द्रास जो में जो है उसका नाम है कारगिल वॉर मेमोरियल, लेकिन उसकी लोकेशन है द्रास में। और उसके अलावा आज हम रुकेंगे कारगिल में। तो ये आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पे जब हम द मिनट वी एंटर्ड इन टू द लद्दाख रीजन और कमिंग क्लोज टू दैट, आप देख सकते हो जो माउंटेन्स हैं उनका कलर डिफरेंट होने लगा है। ग्रीनरी अब है अभी भी, बट कंपेयर टू कश्मीर रीजन ग्रीनरी यहाँ काफ़ी कम हो रही है, और जो माउंटेन्स हैं वो भी थोड़े बैरन हो रहे हैं, थोड़े नेकेड माउंटेन्स हैं यहाँ पे। तो दैट्स द डिफरेंस। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स लामा यूरू, टूवर्ड्स ले, तो ये डिफरेंस इवन मोर एंड मोर एविडेंट होता जाएगा। I'm just completely mesmerized by the beauty, so I'm not able to speak anything right now. I'm just speechless, just enjoying the driving here. It's just awesome, feels great. ओके ये जो आप देख रहे हो खड़ा हुआ सीधा स्नो, इसको कहते हैं टाइगर हिल। तो जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें हमारे वीर जवानों ने यहीं पे चढ़ के पीछे से पाकिस्तानी सोल्जर्स के जो हाल किया था और वापस हमारे लिए से जीता था। तो सैल्यूट टू आर इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू ईच एंड एवरी आर्म फोर्स ऑफ इंडिया जो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगा के। और yeah, this is the tiger, incredible tiger hill. Now we will move towards the Kargil War Memorial, jo in shahidon ki yaad mein banaya gaya. So let's continue.